कातिल मंगेतर जमीन में लाश दफनाई। 27 दिनों तक रामपुर पुलिस रही परेशान। रात खुला तो पैरों तले खिसक गई जमीन। फिल्मी अंदाज में स्ट्रीटर मंगेतर का इंतकाम। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में मुसेरे भाई ने अपने मंगेतर के साथ लव सेक्स धोखा अपहरण व हत्या को अंजाम दी। जिला रामपुर में मुसेरे भाई ने अपनी मंगेतर के साथ लव सेक्स धोखा अपहरण व हत्या को अंजाम दिया। मुसेरे भाई एवं मंगेतर ने युवती का अपहरण कर अपने दोस्तों की मदद से उसकी हत्या कर शव को 3 टुकड़ों में करके अपने फार्म किनारे दबा दिया था। पिछले 26 दिन से गायब युवती के परिजन मंगेतर मुसेरे भाई पर अपहरण करने की आशंका जता रहे थे। साथ ही युवती के परिजनों को सामाजिक संगठन और सोशल मीडिया का जबरदस्त समर्थन मिलने के चलते पुलिस पर भारी दबाव के चलते आखिरकार 27वें दिन युवती के शव को ढूंढने में कामयाबी मिली। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा हत्या में तस्लीम करते हुए मुख्य अभियुक्त सहित 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ की। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। जिसे दिलो जान से चाहा उसी मुसेरे मंगेतर भाई ने, जिसने उसकी जान की हिफाजत करने की साथ साथ कस्में खाई थी, उस मुसेरे मंगेतर भाई ने ही उसका वजूद उसे मौत के घाट उतार कर मिटा दिया। जिला रामपुर में चर्चित पायल उर्फ जैनब हत्या कांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया। हत्या आरोपी जागीर द्वारा अपने दोस्तों और नौकरों की मदद से अपने फार्म हाउस में 1 नवम्बर को शाम 7:30 बजे बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए शव को 3 टुकड़ों में काट कर अपने फार्म किनारे झाड़ियों के नीचे जमीन में अलग अलग पेबद कर दिया। साथ ही आलाए कत्ल फार्म में छिपा दिए गए। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा था। वहीं मुख्य अभियुक्त जागीर ने अपने आप को एक पुराने मामले में सिलेंडर कर दिया, जिससे पुलिस मुख्य अभियुक्त तक पहुँच नहीं बना पाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया व अन्य माध्यम पर मामला जोर पकड़ने पर पुलिस के ऊपर भारी दबाव के चलते पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर जब पूछताछ की गई तो जागीर 3 दिन की सीमित अवधि को पूरा करने की नियत से पुलिस को राजस्थान व अन्य स्थानों पर शव दबे होने की बात कहकर गुमराह करता रहा और समय व्यर्थ करता रहा। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर 27 नवंबर की रात अभियुक्त खुल गया और सारे रात उगल दिए। पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीना की यदि माने तो अभियुक्त द्वारा अपना गुनाह कबूल करते हुए शव को अपने फार्म किनारे से 3 हिस्सों में बरामद कराया। गला दबाकर हत्या करने के बाद कुल्हाड़े से शव को 3 हिस्सों में तकसीम करके अभियुक्तों ने दबाया था। चले जाने अपहरण के संदर्भ में घर वालों ने बताया था। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया। CDR अन्य सर्विलांस के माध्यम और मुखबिरों के स्रोत के आधार पर कुछ लोग इसमें सस्पेक्टेड नजर आए। पुलिस ने प्रकाशमन को लेकर आए, जिसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। जो अभियुक्त पकड़े गए उन्होंने बताया है कि चूंकि प्रेम प्रसंग का मामला था, पूर्व में जो मृतक युवती है उसका उसके साथ में सगाई हुई थी और प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मत भिन्नता होने के कारण उनकी सगाई टूट गई। लेकिन मृतक युवती के द्वारा कंटिन्यू परस्यू किया जा रहा था, तो इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। बाकी लोग इसमें अभी इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम जाँच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर पुलिस के द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाए। कितने लोग प्रकाश में आए सर? अभी तक 3 लोगों का मुख्य रोल था, 3 लोग इसमें प्रकाश में आए हैं, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार होकर अभी जेल चले गए। शेष के खिलाफ NBW इत्यादि की प्रक्रिया जारी है। घटना को अंजाम कैसे दिया गया? इन्होंने बताया कि युवती को फोन करके बुलाया और उसके उपरांत में उसकी हत्या कर दी। कत्ल की वजह जो इन्होंने बताया है कि इन लोगों के बीच में पहले पूर्व में सगाई संबंध रहे थे और प्रेम संबंध भी इन लोगों के बीच में थे, लेकिन चूंकि इनके बीच में मतभिन्नता थी, इस वजह से वो सगाई तोड़ दी गई। किसी अन्य युवती से
इन्होंने सगाई कर ली तो उसी वजह से इन्होंने उसकी हत्या कर ली। युवती का शव कहाँ मिला सर? और किस स्थिति मिला? युवती का जो शव है वो कोसी नदी के पास से बरामद हो गया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से शार्क मीडिया के लिए गुड्डू खान, चन्नू खान, खान उबेर यूनुस की खास रिपोर्ट।